साथियों अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल ही हमने आप लोगों को नोटिफिकेशन डाल दिया था कि हमने एक मोबाइल ले लिया है। ये बेसिकली हमने नहीं लिया है, ये आपका मोबाइल है, यानी जीएस ऑनलाइन के परिवार का मोबाइल है। तो आप ही का मोबाइल है। आपकी खिदमत में आपके कॉल्स आते थे, आपके फोन्स आते थे, बहुत दिक्कत होता था। तो बहुत दिन से ये कोशिश थी, तो आज अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कर दिया। और आपकी कोशिश थी और आप लोग भी चाहते थे, तो इसलिए हमने आज एक मोबाइल परचेज किया है। तो आज एक खुशी का लम्हा है हमारे लिए और हम चाहते हैं कि आपको दिखलाएं। तो चलिए हम मोबाइल का अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले कुछ दूर ही से दिखला देते हैं, बताइए कौन सा फोन हो सकता है ये, जल्दी से कमेंट्स में लिखिएगा। ये है फोन, ये फ्लिपकार्ट का ऑर्डर है और फिर बताएंगे इसमें कौन सा फोन है। जल्दी से आप बताइए ये कितने का फोन हो सकता है और कौन सा फोन हो सकता है। और इसको दिखाने से पहले, अनबॉक्सिंग करने से पहले हम आपको दिखला रहे हैं, ये है मेरे पास पुराना फोन। क्या तो साथियों, ये है मेरा पुराना फोन, यानी ये आपको एमआई का दिख रहा है। और जब तक हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, पहले इसके बारे में कुछ डिटेल बतला देते हैं। और ये भी आप कमेंट्स कीजिए कि ये कौन सा फोन हमने लिया है और कितने का फोन हो सकता है, आपके दिमाग में जो चल रहा हो। और उसके बाद ये आपका पुराना फोन है, इसी फोन से आज से 9 जनवरी 2019 को हमने YouTube पर काम करना शुरू किया था, आपको पढ़ाना चालू किया था। ये फ़ोन MI का 5A है और ये हमने लिया था 4999 में, और बहुत सस्ता फ़ोन था ये और काफ़ी अच्छा फ़ोन था। और जब हमने इस फ़ोन को ऑर्डर किया, यानी ये जो अभी Flipkart पर ऑर्डर आया है, तो हमने इसको एक्सचेंज किया था, तो इसका दाम 2200 रुपये दाम लगा था। लेकिन जब ये फ़ोन लेकर गए तो इस फ़ोन को नहीं लिया, एक्सचेंज नहीं किया, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा खराश आ रहा है, टूटा हुआ हल्का सा लग रहा है और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इस वजह से नहीं लिया। और ये फ़ोन बेसिकली कहिए कि ये फ़ोन बेचारा जाना नहीं चाह रहा, ये चाह रहा है कि जीएस ऑनलाइन के ही साथ रहें। और बहुत ज़्यादा ये हैंग करता था, जिसकी वजह से इस फ़ोन को हमने एक्सचेंज करना चाहा और लेना चाहा। तो चलिए अब इनबॉक्सिंग करते हैं, ये कौन सा फ़ोन है जो हमने लिया है, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। तो चलिए इसको खोलते हैं, ये फ्लिपकार्ट का ऑर्डर है और जल्दी से आप लोग बताइएगा भी कि कौन सा फ़ोन होगा। वाह, ये खुला इस तरह और ये ऐसे खुला, वाह क्या बात है। अरे ये भी MI का फ़ोन है, मैं तो समझ रहा था कि एप्पल होगा, आईफोन होगा, ये तो MI है। अच्छा, ये तो सस्ती कंपनी है। अच्छा ठीक है, ये है इसके अंदर का बिल है और बेसिकली ये आपके ऑपरेटर साहब के नाम से ही बिल है, यानी महमूद अहमद के नाम से ही ऑर्डर हमने किया था। तो ये बिल है, चलिए ये डब्बा है, ये तो फॉल्स है, इसको ये बिल था। अब ये फ़ोन है रेडमी नोट 7S। अच्छा इतना सस्ता, ये 10,000 का फ़ोन है, 48 MP का इसका कैमरा है और इसमें क्या क्या है, रूबी रेड कलर का है और 4GB 64GB, यानी 4GB रैम है और 64GB के इसके अंदर मेमोरी है, मेड इन इंडिया है। अब इसको खोलते हैं, इसमें क्या क्या है। ये हमने खोला यहाँ से और अरे अरे सॉरी, इनबॉक्सिंग तो इससे किया जाता है ना। अच्छा चलिए ठीक है, नए हैं कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ये वाला इनबॉक्सिंग किया, वाह। ये फ़ोन को खोलते हैं, देखते हैं रेड रूबी कलर कैसा होता है। वाह, ये है आपका खाली डब्बा और उसके बाद ये एक डब्बा है, इसको खोलते हैं, इसमें क्या है। अच्छा ये है चाबी। अच्छा ये इसके पीछे का बैक कवर, अच्छा कवर है, बहुत अच्छा, सॉफ्ट है, मुलायम है। और ये फ़ोन है, क्या बात है, बहुत अच्छा फ़ोन लग रहा है, देख रहे हैं जक्कास, वाह लाइफ चेंजिंग, क्या बात है, ताली ताली, क्या ये फ़ोन है। अच्छा ये रेड कलर का फोन है, अच्छा कलर लग रहा है, नहीं कैसा लग रहा है आप भी बताइएगा। और ये इस पे ऊपर में एक लेमिनेशन डाला हुआ है, ठीक है इसको बाद में खोलेंगे। और ये आपका फोन है, अच्छा है, अच्छा कलर है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है, तब फिर बताएंगे फ़ोन का फ्यूचर। ये आपका एक खाली पेपर है और इसका एक गाइडलाइंस है किस तरह इसमें क्या क्या फ्यूचर है। और उसके बाद बात करते हैं, तो इसमें जो कंपनी की तरफ से मिला है वो एक चार्जर है और एक इसका ये केबल है। और अगर हम केबल की बात करते हैं तो एक नया केबल कंपनी वाले ने लॉन्च किया है, वो है साथियों यहां पर देखिएगा ये क्या है। इसमें दोनों तरफ से
किसी तरफ से भी आप इसको, और इस चार्जर का नाम होता है i3। i3 क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि दोनों तरफ से बराबर है, यानी किसी तरफ से भी आप किसी भी हालत में हो इसको आप इसमें लगा सकते हैं और आपका चार्ज हो जाएगा, इस तरह भी या आप इस तरह घुमा के भी। इस चार्जर का नाम है i3। पहले वाला जो चार्जर आता था उसमें एक तरफ हल्का सा उठा हुआ होता था, ये वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिकली था और खुशी का लम्हा था, और मिठाई आप लोगों के लिए बचा हुआ है, रखा हुआ है, और इसको खोलते हैं यदि तो अच्छा लग रहा है। वाह क्या बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा है और अच्छा कलर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है जो आपको हम बताना चाहते हैं कि वो ये है कि ये तो Redmi Note 7S और आपका कलर देख ही लिए, रेड कलर का है और इसमें 64 GB है और 48 MP का कैमरा है, कैमरा अच्छा है, और इस मोबाइल को हमने क्यों लिया ये भी बात है। तो इसलिए लिया साथियों कि इस छोटे से मोबाइल के आपके सारे ग्रुप के नोट्स वगैरह भेजने में नहीं बनता था, इसलिए हमने इस फ़ोन को लिया है। हमने लिया है उम्मीद कि ये फ़ोन अच्छा काम करेगा, और इस बेचारे को भी हमने साथ में रख लिया है क्योंकि इसी को हम यूज करेंगे। आप बताइएगा आपको कैसा लगा, बाकी और दुआ कीजिएगा कि और भी बहुत सारे ज़रूरियात हैं वो पूरे हो जाएँ, ठीक है साथियों। ये खुशी का लम्हा था जिसको मैंने नहीं रोक पाया और चाहा कि आपको शेयर कर दें। तो साथियों ये बहुत खुशी की लम्हा है, इसलिए मैं भी, मेरे चेहरे पर भी मुस्कान है, और ऐसी कोई भी खुशी आएगी तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। और इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रहिए GS ऑनलाइन के थ्रू, और भी आपके साथी दोस्तों हो उसे GS ऑनलाइन से जरूर जुड़वाइए। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत अच्छा चैनल है आपके लिए, और हमें बहुत एनर्जी मिलता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। तो साथियों कैसा लगा इस दोनों फोन में, ये बेचारे तो पुराने हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब नए दोस्त मिलते हैं तो पुराने दोस्त भूल जाते हैं, ये कहावत को हम नहीं साबित होने देंगे, जब नए दोस्त मिलते हैं तो पुराने दोस्त बचे रहते हैं, यानी इसको भी हम रखे रहेंगे, ठीक है। ये इसका अनबॉक्सिंग हमने किया था, और इस तरह ये सब डब्बा है। शुक्रिया आप लोगों का, हमें उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को भी, शुक्रिया।